छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी का ही यहाँ कार्यक्रम था मीरा रोड पर, लेकिन फिर पुलिस द्वारा हमें यहाँ सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और फिर वो समय पर परमिशन भी उन्होंने कैंसिल कर दी गई थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने यह तय किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग 25 तारीख के दिन भी मनाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग तारीखों पर शिव जयंती का उत्सव किया जाता है। तो हम लोगों ने और हमारे मैडम जी ने विचार किया है कि हम लोग 25 तारीख के दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो हमारी 25 तारीख की पूरी तैयारी थी, यानी आज की तैयारी हमारी पूरी थी, तो फिर पता नहीं कि किसके दबाव में हमारी पुलिस आई तो लास्ट मोमेंट में परमिशन भी कैंसिल कर दिया 25 तारीख का भी। फिर कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट ने कंडीशन के साथ में आज की रैली का, आज का सभा का परमिशन दिया है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और ख़ास करके महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो हर जिले में हर विधानसभा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज मीरा रोड पर भी बहुत ही भव्य और अच्छे से कार्यक्रम होगा। सर, यहाँ आपके आने से पहले एक भय का वातावरण बनाया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोशल मीडिया में ही भय का वातावरण बनाया गया कि आज की रैली होगी, भड़काऊ भाषण होगा, दंगे फसाद होंगे, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया में एक वातावरण बनाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी सभाएं होती है, रैली होती है, छोटी सी घटनाएं भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो सत्य, हम सत्य पे बात करते हैं। और आज भी अच्छे से कार्यक्रम होगा और किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, और जितने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं इस कार्यक्रम में जो आ जाने वाले शिव जयंती के शुभ अवसर पर, शांतिपूर्वक से आना है, शांतिपूर्वक से जाना है, ये भी हमारे मावलों को हम निवेदन करते हैं। चुनाव के मद्देनजर ये रैली लगी हुई है, इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, चुनाव यहाँ पर कब है क्या है वो तो मुझे पता नहीं, और लगभग 15 दिनों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, हर राज्य में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, और चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव और इस कार्यक्रम से कोई संबंध है। सर, सेनापति बाला साहब ठाकरे हयाती में उन्होंने कहते थे कि अच्छे मुस्लिम कौन है, उनके पास एक व्याख्या थी अच्छे मुस्लिम की, जैसे कि अजहरुद्दीन क्रिकेट है, आपके नजर में, आपके व्याख्या में अच्छे मुस्लिम कौन है? जो भारत माँ की जय बोले वो अच्छा मुसलमान है, जो वंदे मातरम गीत गाए वो अच्छा मुसलमान है, जिस देश में रहकर उस देश की जय बोलने में जिसको शर्म नहीं आती है वो अच्छा मुसलमान है मेरी नजर में। दुय्यम दर्जे का मुसलमान की अभी राष्ट्रीयता होने वाली है सर, उसमें आप सहमत हैं? मुझे आप जो बात की है वो मुझे समझ में नहीं आया। मुसलमान को दुय्यम दर्जा दिया जाएगा जब हमारा हिंदुत्व का राज आएगा तब, ये बात, ये आप सहमत है इससे? नहीं, दुय्यम दर्जा मतलब समझाने में, सेकंड स्टेज का मुस्लिम में ऐसा बोलेंगे क्या, फर्स्ट स्टेज आप हमारी, कौन दर्जा कौन देगा? सरकार देगी। नहीं, मुझे उस विषय पे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नजर में वही अच्छा मुसलमान है जो देश का खाकर और वो देश की गाता है ना, वही अच्छा मुसलमान। सर, गीता जैन ने आपको निमंत्रण दिया, जबकि और भी यहाँ बहुत से नेता हैं, तो गीता जैन के बारे में आपके निमंत्रण स्वीकार करने के क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजर्स तो कोई और है, लेकिन हमारे गीता जैन जी हमारी बहन है और बहुत वर्षों से उनके हमारे अच्छे संबंध है, और कभी हैदराबाद आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं, और कभी हम यहाँ आते तो मौका मिलता है तो हम उनसे मिल लेते हैं, और आज भोजन करने का भी अवसर मिला, क्योंकि मेरी विधानसभा में बहुत सारी जैन कम्युनिटी है, और जब मेरा चुनाव था तो हमारी दीदी द्वारा उन सभी को निवेदन भी हम लोगों ने करवाया था कि जैन कम्युनिटी को भी आप एक संदेश दें, तो वो समय पर उनका अच्छा योगदान रहा है, और आज उनके मकान आया, आने का अवसर मिला, परिवार से हम लोग मिले, भोजन व्यवस्था हुई अच्छे से, वैसे बस वही हमारा रिलेशन है। सर, आपकी रैली को देखते हुए मीरा भाईंदर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? पुलिस इतनी क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमारे जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं हम दूर दूर तक तो पुलिस हमें दिखती नहीं,
लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है। मैं समझता हूँ कि कुछ भय का वातावरण सोशल मीडिया में जो बना हुआ था वो दृष्टि से पुलिस आने वाले किसी प्रकार के कोई घटना ना हो जाए उस प्रकार से पुलिस बंदोबस्त कर रही है, और ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन हम तो इतना ही आश्वासन देते हैं कि हमारी वजह से हमारे इस मीरा रोड का हो या मुंबई राज्य महाराष्ट्र राज्य का वातावरण हमारी वजह से तो खराब नहीं होगा। इस बार का आंकड़ा 400 का पार रही, ये बात सही है? देखिए, आने वाला जो पार्लियामेंट जो चुनाव होगा वो कांग्रेस मुक्त होगा, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को कोई हराने वाली कोई ताकत पैदा नहीं है, और 400 पार तो होगा ही होगा, क्योंकि आज भारत देश का हर वो वोटर ये जान चुका है कि हमारा भारत देश अगर आगे बढ़ सकता है तो मोदी जी की वजह से। तो इसलिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। किसान हमारी जान है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, किसान है तो ही हम है, किसान हमारी जान है। और अभी जो आंदोलन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस विषय पर केंद्र विचार करना चाहिए और उनसे संवाद भी करना चाहिए।